तो पहला मोहाली ते चंडीगढ़ का मीडिया जिन्हें भी तुसी मंचा नूं रीप्रजेंट करते हो मैं तुहाडा स्वागत करदा, धन्नवाद भी करदा कि जदों भी तुहानूं बुलाईदा तुसी बहुत वड्डी गिणती दे विच आके साडी गलबात नूं साढ़े जिहड़े विचार ने जां पार्टी दा जिहड़ा नीतियां ने उहनां नूं लोकां तक पहुंचाउंदे हो। अज दे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे मुद्दे जिहड़े ने बहुत गंभीर ने। अज पंजाब दे कर्जे की गल करांगे। पंजाब दे सिर ते 3 लाख करोड़ का कर्जा है, 3 लाख करोड़ का कर्जा है ते 3 करोड़ आबादी है पंजाब दी। इहदा मतलब हर एक पंजाबी ते 1 लाख रुपया कर्जा है। अज जिहड़े बच्चे जम्मणगे वो 1 लाख रुपया कर्जा लेके जम्मणगे अपने सिर ते। ये कर्जा किवें आ गया? लीडरां दे तां 7 स्टार 5 स्टार होटल बन गए, लीडरां दे बड़े बड़े महल उसारे गए, लीडरां दीआं ट्रांसपोर्टां जिहड़ियां ने वो दुगणियां तिगणियां फ्लीटां दे नाल वध गईआं बसां, लीडरां ने अपने शॉपिंग मॉल शोरूम खोल ले। ते जदों लोकां दी वारी आउंदी है उदों कहिंदे ने खजाना खाली है। ते खजाना खाली करन वाले साफ नज़र आ रहे ने कि कौन ने। लोक जिहड़े ने वो टैक्स दे रहे ने, लोकां वल्लों कोई कमी नहीं तां खजाना खाली किवें हो गया? आम आदमी पार्टी खजाना भी भरूगी ते लोकां नूं सहूलतां भी देऊगी। दिल्ली दे विच 26,000 करोड़ का बजट होंदा सी, अज 69,000 करोड़ का बजट है, 69,000 करोड़ का दुगणे तो भी ज़्यादा करता। ते नाले सहूलतां मिल रही दिल्ली दे लोकां नूं। पंजाब का बजट 1,68,000 करोड़ है, जे 20% भी रिश्वत ला लिए, रिश्वत चला जाता है पैसा पंजवा हिस्सा ला लो तो 30 to 34,000 करोड़ सिर्फ रिश्वत की लीकेज जिहड़ी है भ्रिष्टाचार की वो खजाने चो हो रही है। 30 to 34,000 करोड़ तो यह आऊगा। अज मैं तुहानूं दस्सण लग्या तुहाडे अक्सर सवाल हुंदे ने कि पैसा तो है नहीं, आ कित्थों दोगे तो करजा किवें लाओगे? कल्ली करप्शन का 30 to 34,000 करोड़ होगा वध, मैं एक अंदाजा लाया। रेते का लगभग 20,000 करोड़, जानी कि एक लख करोड़ तो कल रेते च ही आऊगा 5 साल। फिर एक्साइज, फिर ट्रांसपोर्ट, ये जिन्ने भी माफियाज ने इन्हां दी लीकेज रोको, इन्हां दा मूंह सीधा खजाने वाल,
ना करजा लहूगा, स्टेट जी सरप्लस होगी। उस तो बाद लोगों जी वादे असी गरंटियां दित्तियां ने वो भी पूरियां करांगे। सो कोई लीडर है जा होवे जिदी प्रॉपर्टी घटी होवे पांच साल या दस साल चाहे वह हारिया होवे नहीं है। सो ये गल करन तुहाडे नाल आए हां कि साडा आर्थिक पैकेज बिल्कुल तैयार है, रोड मैप तैयार है, इकनोमिक रोड मैप तैयार है, तो थानू आने वाले दिनों असी इहदा फुल डिटेल भी दसांगे। आने वाले दिनों असी खेती बारे, इंडस्ट्री बारे, रोज़गार बारे आने वाले दिनों उस सारे रोड मैप थानू एक एक करके थोड़े सामने रखते रहेंगे। थोड़ा कोई सवाल है तो मैं दस। पानी विकास ने बिल्कुल देखो फुल स्टेट है दिल्ली तो सानू बहुत सारा दिल्ली जितना कदे एल जी नाल कदे डी डी ए नाल कदे किसी ना करना पैंदा है पर फुल स्टेट नू घट लोड़ पैंदी है। हाँ जे केंद्र नाल किसी ना किसी मैं कहां कि पॉलिसी ते उन्हें सहयोग की लोड़ पई तो सहयोग लवांगे उन्हां तों। पंजाब वास्ते किसी के हाथ भी बनने पै गए हाथ बन लाँगे, पैर फड़ने पे पैर फड़ लाँगे, पर साडा एजेंडा होगा कि पंजाब नू पैरां सिर खड़ा करना है, नंबर वन स्टेट बनाना। पुराने साथी रहे ने धर्मवीर गांधी उन्होंने अज की स्टेटमेंट है जी, वह कहते हम मैं इलेक्शन नहीं लड़ांगा पर चंगे बंद समर्थन करांगा, नाल ही कह के आम आदमी पार्टी ने राज्यवाद की बेइज्जती की है, अगला नंबर भगवंत मान का लगन। देखो जी धर्मवीर गांधी जी बहुत रिस्पैक्टड ने, मेरे नाल मेरे कुलीग रहे ने 2014-2019 तक, उन्होंने द्वारा इस तरह बोलना उन्होंने खैर मर्जी है पर मैं उन्होंने रिस्पैक्ट करदा। कौन की दी बेइज्जती करदा, कौन की दा नंबर लगदा, आम आदमी पार्टी इन्हां गल्लां च नहीं पैंदी। मैं थोड़े नाल रोड मैप साझा करना आया, मैं पॉजिटिव राजनीति करना आया, मैं इत्थे किसी का लांभा किसी की निंदा किसी की चुगली करनी है। नवजोत सिंह सिद्धू होर जो कुछ बोलते हैं कोई ब्याह करा करा नाल दी उन्होंने पार्टी चों विरोध हो जाता है कि मैनीफेस्टो तो है नहीं चीज़ा, ये मैनीफेस्टो कमेटी की मीटिंग कदों हुई है, जे मैनीफेस्टो च ना पाई गई चीज़ा तो नवजोत सिद्धू का की रहूगी। ये सिद्धू मॉडल नहीं है कांग्रेस मॉडल है, ये कांग्रेस मॉडल नहीं है पंजाब मॉडल है। सो उन्होंने तो यही नहीं समझ आ रहा कि बंदे ने मतलब बोलना है, साडा पार्टी का बनाया होया बैठ के बनाया होया रोड मैप है और असी जो कहने वो करांगे, जिन्नियां गरंटियां दित्तियां ने कोई हवा च नहीं छुरलियां छड्डियां, प्रॉपर हिसाब ला के उहदा बजट कित्थों आऊगा ते ओ असी तुहानूं दसियां ने ते गरंटियां पूरियां करांगे। देखो किसी लैवल से भी असी भ्रष्टाचार अपना असी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो भी भावें वह मंत्री है भावें संतरी है कानून एक होगा तो जो कानून मुताबक होगा उ होगा पक्के पैरी होगा, ये नहीं है कि कच्चे पैरी एक छोटी जी FIR करती जा बस फड़ ली एक उसका परमिट रद्द करता बाद कोर्ट ने जोड़ा परमिट बहाल करता, इस तरह नहीं कानून मुताबक कार्रवाई होगी
कोई पोलिटिकल वेंडेंटा भी नहीं होगा कि असी ये साड़ा विरोध करता सी इनू आ कर दिया करते उस तरह नहीं। मतलब असी सरकार चलानी है कोई बदले बदला कोड़ी वाली नीति ना नहीं चाहिए। पिछले कल तुसी नंबर दित्या सीगा उसका की रिस्पांस किन्नी कॉल आ रही मैनू एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना तुहानू सारा डिटेल देंगे कि मतलब किन्ने लाख फोन आए ने किन्ने मैसेज आए ने किन्ने कॉल्स आए। जे लोग टैक्स भरते ने तो सरकार ईमानदारी उन्होंने टैक्सा जड़ा यूज करती है तो लोगों का टैक्स का पैसा किसी ना किसी रूप च लोगों मिलना चाहिए वापस। अमरीका कनेडा जिन्होंने सोशल सिक्योरिटी कह देंगे तुम फ्री भी कही जाने फ्री भी नहीं। देखो लीडर कि चीज़ा फ्री ने लीडर हवाई जहाजा के सफ़र है जी रेलवे के सफ़र उस बाद घर की उन्होंने बिजली उस बाद टैलीफोन का इन्ना इंटरनेट का इन्ना जे लीडर फ्री है तो पब्लिक क्यों नहीं मिलना चाहिए पब्लिक टैक्स भर रही है जो असी खजाना भर ही जाने फिर देने की हर जा मैं दसो जो अभी दिल्ली की उदाहरण दें 26,000 करोड़ तो बजट 69,000 करोड़ करता बिजली 73% बिजली फ्री है दिल्ली नू ठीक है जी तो इलाज फ्री है सरकारी स्कूल शानदार हो गए हस्पताल बहुत वधिया बन गए मोहल्ला क्लीनिक बन गए तो फिर जे पैसा हैगा सरकार को वापस किसी ना किसी रूप से लोगों को देने सानू कोई एच हर चीज नजर आ रहे कोई नाराजगी तो नहीं कर रहे पार्टी 4 बजे कोई भी सी कराएंगे मतलब 4 बजे उन्हें प्रेस पता की है एक ना हुण तुसी इत्थे आए किड़े ना करो वो सारे आपदे आपदे हलकें च भी ने ठीक है ना। सो इस तरह की कोई खबर कोई नाराजगी जां कोई होर साडे LOP साहब आपदे हलके दिड़बे दे विच पिंडां च भी जा रहे ने ਤੇ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਦਵਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵੰਡਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ 1 ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ कि नवजोत सिंह सिद्धू और जो ट्वीट ने वो कि ना कि बागी होंगे जा रहे हैं आने वाले 2-4 दिन शायद नहीं शायद नहीं कुछ ना कुछ तो होगा निजी तौर ते महसूस करदा कि जिहड़े जिहड़ी पार्टी दे चोण निशान तो जित्ते जदों कानून बनिया होया एंटी डिफेक्शन लॉ कि जिहड़ी पार्टी के चोन निशान तो तुसी जित्ते हो जिन्ना चिर तुसी 2/3 नहीं होंगे 2/3 नहीं होंगे तो तुसी दल नहीं बदल सकते ठीक है। पर उहदे च इक होर कढ रखा है कि स्पीकर साहब फैसला लैणगे 2019 दे विच इलैक्शन लड़ी सुखपाल खहरा ने अपनी पार्टी बना के एक होर सिंबल तो ते मास्टर बलदेव जी ने फरीदकोट तो जबकि किसी होर सिंबल तो वह MLA से इमीजिएटली कार्रवाई क्यों नहीं होंगी स्पीकर साहब ने आपके हिसाब नाल करदे जी बुलाने बुलाने सिर्फ वोटों तो कुछ महीने पहला आके जिहड़े जिहड़े तो आउंदे सी कांग्रेस च ठीक है ना वो छड़ते बाकी कहिंदे बाकी कर दो सस्पेंड कर दो। सो इस तरह के नहीं होने चाहिए जो ऑलरेडी एक बंदा इलैक्शन लड़ लिया किसी होर सिंबल तो किसी होर सिंबल तो जिहड़ा MLA है MP है वो कागज भरने वे MP-ship या MLA-ship रद्द हो जानी चाहिए। देखो अकाली दल बिल्कुल सही है क्योंकि अकाली दल को ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਭਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ
आम आदमी पार्टी तो रोड अपना डोर टू डोर दी स्पैशलिस्ट है। असीं तो शुरू किया दिल्ली च ये काम, सो साडे लई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साडियां फौजां तो लगिया हुई ने, सोशल मीडिया से असीं बहुत एक्टिव हाँ, जनूनी ने साडे जिहड़े भमाकड़ ने। सो इस करके हाँ अगे उम्मीद करते हैं कल नूं कि जे इलैक्शन कमीशन थोड़ी जी ढिल दे दे, रैलियां कोविड दी गाइडलाइनस के मुताबिक हो जाण ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੂਲਰ ਫੇਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀ ਐਮ ਚੁਣ ਲਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਏ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ, ਆਪਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਇਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੜੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਭਰ ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ।